हेलो एवरीवन, खमा खंडे और वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल में मोहन प्रताप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहन प्रताप पे। सुबह हो चुकी है, आज सुबह मैंने एक बार चाय बना दी थी, अभी एकदम ताज़ा दूध आया तो उसके लिए मैं भी दूध बना लेती हूँ और बाकी सबके लिए चाय। तो बस कुछ चाय पिलाने और मैंने दूध ले लिया था, उसके बाद के अंदर मैं लग गई थी अपने रेगुलर किचन वर्क के अंदर। कटिंग वगैरह कर रही थी मैं, बनाने वाली थी सब्ज़ी। आजकल सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि सब्ज़ी में क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है सोचना। अगर सुबह कुछ आइडिया हो जाए तो ठीक है, वरना मैं मम्मी से पूछ के बना लेती हूँ। तो फिलहाल मुझे बाद में याद आया कि लहसुन छिला हुआ नहीं है। हमेशा मम्मी के लहसुन सुबह सुबह छील देते हैं, लेकिन अभी मम्मी की तबीयत ख़राब है और मेरे भी दिमाग से निकल के एकदम कटिंग करने लगी, तब याद आया। तो फिर मैंने फटाफट से लहसुन छिला, प्याज वगैरह की कटिंग की और उसके बाद के अंदर मैंने जो अपनी सब्ज़ी बनाई। तो बस अभी सारा काम हो चुका है घर का, तो सब नहाना है, सबके कपड़े वगैरह धोने हैं। अभी बीच के अंदर मैं अपनी ये डायरी लेके बैठ गई क्योंकि जब काम खत्म हुआ है मैं जो 5-7 मिनट बैठ जाती हूँ क्योंकि पसीना आ रहा है और इतने पसीने में नहाने चले गए तो शायद मुझे और जुकाम लग जाए। तो ये मेरी डायरी के अंदर प्रमोशन वगैरह, कंटेंट वगैरह और जितने भी हिसाब होता है, कौन सा सूट आया है, कौन सा प्रमोशन किया, वो सब लिखने होते हैं। तो इसके अंदर एक दो चीज़ें, अभी मैंने लगभग 10 दिनों से डायरी हाथ में नहीं उठाई थी तो मुझे वो सारी चीज़ें अभी लिखनी है। तो मैं तो जो भी बैठे बैठे ये काम कर लेती हूँ। तो बस डायरी का काम ख़त्म करने के बाद के अंदर मैं जुनहानी जाने वाली थी। उससे पहले मैं अपने कपड़ों को प्रेस कर रही थी क्योंकि मुझे कॉटन की ड्रेसेस ही ज़्यादा पसंद हैं और कॉटन की ड्रेसेस जो हैं एक बार धोने के बाद में सलमे हो जाती है, तो उन्हें बिना प्रेस किए पहनना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। स्पेशली मुझे कहीं बाहर जाना तो मैं प्रेस करके ही पहनती हूँ, घर में तो फिर भी मैं एक दो बार अलस कर जाती हूँ, यार कौन करेगा। लेकिन बिना प्रेस किए कॉटन की ड्रेसेस अगर आप वॉश करते हैं तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं फटाफट प्रेस कर रही थी। तो बस अभी मैं आ चुकी थी हमारे यहाँ ऊपर छोटे कपड़े सुखाने और आज आपको हमारे यहाँ दो तनियाँ दिखाई दे रही होंगी। लगभग 4 महीने की ऐतिहासिक जंग के बाद के अंदर एक और तनी बांधी गई है क्योंकि कई कई बार जो है इतने कपड़े हो जाते हैं कि मुझे फिर पहले एक ही तनी के ऊपर सारे कपड़े नहीं सूख पाते, फिर मुझे कई बार वेट करना पड़ता है। फिर पहले वाले कपड़े मैं उतार के लाती हूँ, फिर मैं दूसरे वाले कपड़े सुखाती हूँ, तो ऐसे 2-3 बार मेरे ऊपर नीचे के चक्कर हो जाते थे। फिर मैंने जो है एक और तनी बंधवाई है अभी। तो बस अभी नाली पूजा पाठ वगैरह वगैरह कपड़े वगैरह भी सुखा दिए और अब चलते हैं नीचे, नीचे चल के रोटी बनाते हैं फिर आगे काम करते हैं, पहले खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी की ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है क्योंकि मम्मी को जो है वॉमिट 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से वीकनेस आ गई थी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर साहब आके इनकी ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। तो बस रोटी बनाने से पहले मैं सैलेड जो है वो काट के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और यहाँ मुझे फिर से पता नहीं चला कि मेरा टाइम स्लिप जो है वो सही नहीं बन रहा है और इस टाइम मैं बना रही थी रोटियाँ। कई बार मैंने आपको बोला था मैं फ़ोन सही एंगल पे लगाती हूँ लेकिन पता नहीं कब क्या कैसे वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस कोई बात नहीं, मैं आपको जो है बता देती हूँ उस टाइम मैं रोटी बना रही हूँ। और हमारे यहाँ पर जो रोज़ भोग लगता है उसके भोग लगा रही हूँ मैं सबको। यहाँ पर भी हम लंच कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि इसने ऐसी कैसी रोटी बनाई है। रोटी मैंने एकदम सही बनाई है, ये गोजू की रोटी बनी है और गोजू की रोटी जो मुझे इतना परफेक्टली बनानी नहीं आती इसलिए जो मेरे से थोड़ी फटी फटी बनती है, लेकिन ठीक है टेस्ट जो एकदम सही आता है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये सब खाना मैंने बनाया है, लेकिन आप सबने व्लॉग में देखा ही होगा कि ये सब मैंने ही बनाया था। तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ लंच करके और हम पे जो भी बचे हुए काम है सोशल मीडिया के, घर में से थक गए यार। तो बस अभी फ़ैन भी नहीं चला सकती, वो आपको मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, हम गर्मी में आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो ब्लॉग एडिट करके मैं मिलती हूँ आपसे। तो बस जैसे मैं ब्लॉग एडिट करके थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, मैंने आपको कल बताया था हमें शॉप पे जाना है, तो बस वहाँ से फ़ोन आ गया था, वो अभी मिलना चाहते हैं। तो बस अभी मैं वहाँ के लिए निकल रही हूँ, तो धूप भी बहुत ज़्यादा है और बस इच्छा भी नहीं हो रही है।
तो बस यहाँ पे हम स्टाइलिश बनी और उसके बाद के अंदर हमने जो है यहाँ पे द ब्लेड सैलून है वहाँ दोनों से हमने जो है बातचीत करके हम वापस जो है घर की ओर निकल गए थे। तो जैसा कि हमने देखा मैं गई थी दो शॉप पे, उसका सारा प्रोग्राम में क्यों गई थी मैं आपको पॉपकॉर्न वाला आया पॉपकॉर्न वाला। या आवाज तो बस मैंने आके उसके बाद में लगभग हम 3 बजे आए थे, फिर थोड़ी देर में रेस्ट किया और उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाने लगी, फिर नीचे बैठी मम्मी के पास में और अभी मैं आई हूँ ऊपर, कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर लिए हैं और अभी जा रही हूँ मैं अपने सिलाई का सूट डालने। वैसे आपको पता है मैं ऊपर जो हमारे हर्ष निधि की मम्मी रहते हैं उनसे सिलवाती हूँ, लेकिन जो है अभी उनको पीहर जाना है तो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी सिलाई पड़ी है और मेरे भी कुछ सूट अभी तक वहाँ पड़े हुए हैं, तो मैं सोच हमारे जो सामने रहते हैं भाभी साहब मैं उनसे करवा लेती हूँ। एक सूट है प्रमोशन का वो थोड़ा अर्जेंट है इसलिए बाकी मैं वेट कर लेती चाहे, लेकिन वो थोड़ा अर्जेंट उनको जो शूट करके देना है तो बस मैं भी वो उनको दे के आती हूँ। तो मुझे तन्वी कलेक्शन से ही सूट आया है, सिलाई के पैसे मैंने इसमें रख दिए हैं, तो ये बॉर्डर वाला सूट है तो मैं अभी इसको स्टिचिंग के लिए दे के आती हूँ। तो बस सिलाई सूट में डालने के आने के बाद मैं बनाने लगी थी डिनर और आज मैंने डिनर का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आप रोज़ रोज़ देख के बोर हो गए होंगे सेम रूटीन, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने मम्मी पापा के लिए खिचड़ी बनाई है, या सेम टमाटर की सब्जी बन रही है, रोटी बन चुकी और आमलेट जो है मुझे खाने के साथ चाहिए तो मैंने वो सबसे पहले वो बना के फ्रिज में रख दिया था कि ठंडा हो जाए और सैलड वगैरह सब काट लिया कैमरे में क्या हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जो है मम्मी के लिए बीपी मशीन लाए थे मामा के यहाँ से, क्योंकि अभी बीपी जो है मम्मी के ऊपर नीचे हो रही थी, डॉक्टर ने बोला कि बीपी चेक करते रहना आप में, तो बीपी मशीन आई थी तो बिल्कुल मैंने सोचा चलो मैं भी अपने बीपी चेक करवा देती हूँ बैठे बैठे, और मेरी जो थी वो एकदम मतलब कि नॉर्मल थी, थोड़ी सी लो थी बाकी सब कुछ नॉर्मल था, तो सब बारी बारी जो है वो टेस्ट कर रहे थे कि किसकी बीपी कितनी है। कैसे चल रहा है? नहीं नहीं मसीन लेके आए मम्मा ना अजमेर से। कुछ भी ना मेरा फोन भेज रहे हो सैमसंग सैमसंग मैं नहीं लूंगी, मैं तो ये चला लूंगी अल्ट्रा हो चाहे फल्ट्रा हो। एक सौ अट्ठाईस ये सही है मेरी प्लस बहुत 8 बजे आए हो कल का। अरे तो आज 8:30 बजे वाला डिस्प्ले होगा उसके बाद में कल चालू। हाँ तो अजी मैं आपसे मिल रही हूँ अभी पूरा काम ख़त्म होने के बाद के अंदर, और मेन ये था आज मम्मी मुझे कल से थोड़े से ठीक नज़र आ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, और मतलब कल वो ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी आज वो थोड़ा सा घूम भी रहे हैं अभी बाहर, वो थोड़ा वॉक कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, और आई होप सो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आज दिन में मैं गई थी हमारे किशनगढ़ में शॉप खुली है मझिला रोड की, हाँ स्टाइलिश बनी ठनी, तो हम वहाँ पे गए थे उन्होंने हमें बुलाया था और काफ़ी अच्छी शॉप है कलेक्शन वगैरह सब वहाँ का अच्छा तो मैंने देखा था। तो बस इससे रिगार्डिंग आगे जो भी न्यूज़ रहेगी आपसे वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके सामने जो था द ब्लेड सलून है वो था, हम वहाँ पे भी गए थे तो वो भी अच्छा था, तो इन दोनों की रिगार्डिंग अब हमारी आगे क्या प्लान रहने वाला है इन दोनों के साथ के अंदर वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं शावर लूँगी, मतलब कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि बिना शावर लिए अभी तो नींद बिल्कुल नहीं आने वाली मेरे को, और इसलिए मैं हेयर मास्क लगाऊंगी, मैं हेयर क्रीम लेके आई थी तो वो मुझे सुबह लगाना था लेकिन सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मतलब टाइम मिला नहीं सॉरी, तो बस मैं अभी लगाऊंगी और लगभग 1-1.5 घंटे बाद के अंदर मैं जो है मतलब जितना भी टाइम उसको लगा के रखना अभी मैं देखूंगी, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ उसको, उसके बाद मैं शावर ले लूँगी। तो बस आज का व्लॉग एंड में यही मतलब अभी तो इतनी गर्मी लग रही है ना, तो बस आज के व्लॉग का एंड में मैं यही कर रही हूँ। आई होप सबको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।